मैं भी चप्पल लेके रेडी रहूंगा साजिद खान को मारने के लिए। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। ये 4 साल सो रहे थे, झूठा आरोप तो मैंने लगाना जिंदगी में सीखा ही नहीं। साजिद खान की भी तो सुनो, एक तरफ ताली दो हाथ से बजती है। जिन जिन लड़कियों ने दोष लगाया है आप उनका बैकग्राउंड देखिए। अगर बहनों आपके साथ गलत हुआ है आप कोर्ट कचहरी में जाइए। मीडिया ट्रायल करके झूठी पब्लिसिटी क्यों पा रही है? गड़े हुए मुर्गे उखाड़ रहे हैं बिना मतलब के, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। कोर्ट उसे कसूरवार ठहराता है तो मैं भी चप्पल लेके खड़ी हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। पहले भी कॉन्ट्रोवर्सी रही है, फिर से वो कॉन्ट्रोवर्सी एक बार दोबारा से हो गई है, उनको नोटिस तक भेजा गया है। तो इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पे आप क्या कहेंगे? उनका पार्टिसिपेशन और जो आरोप उनके ऊपर लगे थे उसके बाद भी उनका जो पार्टिसिपेशन है, क्या बिग बॉस को एक कॉन्ट्रोवर्सी के तौर पे एक हाइप देने के लिए जानबूझ के किया जा रहा है कि उनका पार्टिसिपेशन गलत है? नहीं, मैं आपको बता देती हूँ किया गया है किसने किया है, तो उन्होंने कोर्ट में जाके केस क्यों नहीं किया, मीडिया में क्यों जा रहे? मैं अगर मेरे साथ कुछ होता तो मैं कोर्ट में जाती हूँ, पुलिस स्टेशन जाती हूँ। आप मीडिया में बैठ के मीडिया बुला के मेरे साथ ये हुआ वो हुआ हुआ, मीडिया क्या कर लेगी? आप बताइए मीडिया के पास क्या प्रूफ है? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप कोर्ट कचहरी जाइए और आरोप लगाया गया, अक्यूज किया गया, गुनहगार ठहराया नहीं गया। आप बताइए अगर साजिद खान को गुनहगार ठहराया जाता तो सबसे पहले चप्पल मैं ही मारता। उस बंदे ने बोला ही नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर वो एक बार, इसलिए मैं बिग बॉस जाना चाहती हूँ, बिग बॉस जाके मैं खुद पूछूंगी कि भाई साजिद भाई क्या आपने इन इन लड़कियों के साथ ऐसा किया है। अगर वो कहते कि हाँ भाई मेरी गलती हो गई है तो लोग जो है देश की जनता अपना गुस्सा दिखा सकती है और वाजिब है। लेकिन आप एक आदमी पर जब आपका उसका कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन में गुना उसका जो अक्यूज नहीं हुआ है, मतलब दोषी साबित नहीं हुआ है और आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो, क्योंकि वो एक बंदा दुनिया का, मैं बोलती हूँ इंडिया का नंबर वन शो बिग बॉस में गया है, तो उनको लगता है कि हम इनके नाम से पब्लिसिटी खा जाएंगे, पब्लिसिटी गेन कर लेंगे। ये लोग एक साल सो जाते हैं, 4 साल सो गए थे लोग, 4 साल तक सो रहे थे। कुंभकर्ण के खानदान के हैं ये, क्या ये कुंभकर्ण के खानदान के हैं? ये 4 साल सो रहे थे, आप मुझे बताइए। तो अभी ये बिग बॉस गया है तो अभी ये एक 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 बाहर आके उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि कोर्ट में पुलिस के पास एक जो जुडिशियल प्रोसेस होता है उसको ना फॉलो करके मीडिया ट्रायल करके बदनाम करने की कोशिश कर, ये मीडिया ट्रायल करके पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं और साजिद खान को एक शो मिला है बड़ा, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट कचहरी जाइए, है ना, कोर्ट कचहरी जाएगी तो ये आग डबल ट्रिपल ट्रिपल होगी। मैं भी चप्पल लेके रेडी रहूंगी साजिद खान को मारने के लिए कि अगर सचमुच अगर कोर्ट ने बोला कि वो दोषी है, अगर वो बंदा दोषी नहीं है तो मैं एक महिला हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको आरोप लगाऊं। झूठा आरोप तो मैंने लगाना जिंदगी में सीखा ही नहीं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी मैं अकेले साजिद खान को सपोर्ट इसलिए करूंगी कि अभी तक उनका गुना जो है 4 साल से साबित हुआ नहीं है, 4 साल से उनका करियर तबाह हो गया है, कोई फिल्म उन्होंने करी नहीं है। ही वॉज इन अ डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ट्विटर हर जगह बबलवार है मेरे साथ ऐसा हुआ तो पूरा देश निकल पड़ता है मोमबत्ती लेकर। अरे वो मोमबत्ती आप साजिद खान की भी तो सुनो, एक तरफ ताली दो हाथ से बजती है। अभी साजिद खान का तो बयान नहीं मिल पा रहा है बिकॉज वो तो अंदर है, उनको पता भी नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। उसके बाद कल का दिन वो बाहर आके जब सफाई देंगे, हो सकता है कि उनका कुछ दोषी ना हो। एक बात बताइए राखी जाएगी, जाके पूछेगी, समझेगी चीजों को, तो बता भी सकेगी ना क्या है किधर है। मैं आपको साफ बताती हूँ, जिन जिन लड़कियों ने दोष लगाया है आप उनका बैकग्राउंड देखिए। निवस्त्र इनका फोटोशूट देख, इनको फिल्म पाने के लिए मैं एक किसी का भी साथ, साजिद खान मेरा भाई मेरा खानदान का कुछ नहीं लगता, मैं सिर्फ न्याय की बात करती हूँ।
कि उनका बैकग्राउंड देखती है, ये फिल्म पाने के लिए कितने हद तक क्या क्या करती है, या आप मीडिया वाले हैं आप देखिए, बहुत मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं किसी पे कोई दोष नहीं लगा रही है, किसी पे कुछ नहीं लगा रही हूँ। आप खुद सामने से जब बोलते हैं एक मैसेज कि सर मैं ये करने को तैयार हूँ, सर मैं ये करने को तैयार हूँ, मुझे एक रोल दे दीजिए, और उसी फोन पर आप अपना मैसेज डिलीट कर देते हैं। अब अगला बंदा राजी हो जाता है, वो भी मैं उनको लगता है अरे ये मुझे खुद मैसेज करती है, आप भी इंसान है कि नहीं, तो किसी का करियर तबाह करने का किसी को अधिकार नहीं। तो आपका ये कहना है कि जो लोग उनके ऊपर आरोप लगाए, जैसे शर्लिन चोपड़ा आरोप लगा रही है, केवल जो है आरोप लगा देना ये मतलब नहीं कि जिसके ऊपर आरोप लगा दिया वो आरोप से हो गया, वो दोषी हो गया। देखिए मैं सारी मीडिया बुला के अभी चार वकील को बिठा के पब्लिसिटी स्टंट कर दूंगी, है ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। तुम कोर्ट कचेरी में वीडियो फोन ये मैसेजेस नहीं चलते, वहां पर ईश्वर हर वक्त नीचे नहीं आ सकते, अल्लाह ईश्वर परमेश्वर इसलिए कोर्ट कचेरी बनाया है हर इंसान के गुनाहों को न्याय दिलाने के लिए। अगर बहनों आपके साथ गलत हुआ है आप कोर्ट कचेरी में जाइए, मीडिया ट्रायल करके झूठी पब्लिसिटी क्यों पा रही है। और राखी सिंपल चीज पूछ रही, उनके साइड भी तो सुना, भी देखो जो ने भी उनके जिसने भी उनके ऊपर आरोप लगाया है उनको भी एक बार पूछो, साजिद को भी इसके बारे में तुम्हारा क्या बोलना है। साजिद अभी अंदर है, एक बंदा अगर जेल में है, पिक्चर आप बाहर इतने भी कितना भी भौंकेंगे इसका मतलब नहीं है, वो एक बड़े रियलिटी शो में गया है, तो ये सब मुर्दे हैं मेरे लिए। ये जो लड़कियां हैं, ये जो आवाज झूठा झूठा बोल रही है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई या मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मुर्दे हैं, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं बिना मतलब के, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ वो मेरी बहनें हैं, अगर अगर आपके साथ सचमुच गलत हुआ है आप कोर्ट कचहरी जाइए और उसको फांसी की सजा दिलाइए, लेकिन आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ आप मीडिया का ट्रायल ले रही है और पब्लिसिटी पा रही है। एटलीस्ट राखी के पास पहुंचे, मेरे पास मत पहुंचो। मैं जो बेकसूर है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, तो खुदा ने मुझे बनाया जो बेकसूर है उसको साथ देने के लिए। अगर वो कहीं कसूरवार है, कोर्ट उसे कसूरवार ठहराता है, तो मैं भी चप्पल लेके खड़ी हूँ, ठीक है। किसी भी लड़की के साथ ये नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। हेलो राखी जी, हाय अखिल भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, नाइस लुक ऑलवेज, दिस इज द स्पेशल लुक टुडे, करवा चौथ एक्चुअली करवा चौथ, ये आती ये साइड राखी जी, ये साइड है, ओ नहीं ना रुको रुको उधर राखी, यार आदिल का नाम, राखी जी इधर, राखी जी इधर, हम इधर हैं। राखी जी आज बहुत खूबसूरत लग रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये इनके आदिल की चॉइस के सूट है, इधर इधर, और आज करवा चौथ है, मैं पहली बार करवा चौथ कर रही हूँ, कल मैंने मेहंदी लगाई थी, बहुत सूट पहनना बहुत पसंद है, आदि आदि कहते हैं कि बहुत अच्छी लग रही है। इंडियन आइडल हम लोग तो ये चीज़ मानते नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि इसने रखा है मेरे लिए, मैं वेरी वेरी हैप्पी, हर रिलीजन को बिलीव करना ही जो मांगोगे तो हम उसको पा सकते हैं। क्या सुनो, तोहफा प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो जनता के सामने, क्या प्रॉमिस करो, क्या चीज का तोहफा, कि अगर हम बिग बॉस में गए तो मैं जो मांगूंगी वो तुम इनकार नहीं करो, प्रॉमिस हो गया। क्या आप लोग सब साक्षी हैं? जी हम गवाह हैं। आप इनकार नहीं करोगे? आप उस मामले में क्या मांगे? इनकार करा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी में भूखा नहीं रहती, मैं पहली बार भूखी हूँ। नाम नाम भी है मेरा, ये देखो नाम है आदिल, ये क्या कर रहे हो?
आदिल ना, मैं अभी लंदन जा रही हूँ। हाँ, मेरा मेरा पूरा करवा चौथ फ्लाइट में ही होगा, बट मैं ये सही है। हाँ, फ्लाइट में वाईफाई है और मैं वीडियो कॉल करूंगी, वरना तो भूखी मर जाऊंगी, है ना। छलनी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये तो है। So, ये स्पेशल आदिल ने सूट मेरे लिए बनवाया है। अति सुंदर सबका फोटो ले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राखी थी, यहाँ पे यहाँ पर सामने सामने यहाँ पर सामने मुझे तो चाय कॉफी कितनी वो लगती है ना, और मैंने सुबह वो खाया भी नहीं है। अरे सरगी, सरगी तो एक्चुअली ससुराल से आती है, आई नहीं मेरे ससुराल से सरगी। क्या होता है एक्चुअली मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। सेंटर मांग ये ना मत इकड़े स्टार्टिंग लो से तो आलो ना हो गया वीडियो। ये सब एक प्यार है, बहुत लव। हाँ, एक प्यार है, सी वी लव ईच अदर लॉट। तो हमारे हिंदुस्तान में त्यौहार होता ही है ना, तो हर कोई मनाता है। I'm very very happy that Rakhi ne mujhe bahut khushi hai jiski I appreciate you ke liye sari aap bol rahe hain। Thank you, thank you sir। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं ये मैं मानती नहीं थी, लेकिन जब इंसान को प्यार होता है तो आप करते हैं। दे रहा हूँ फास्ट है मेरा भाई। हाँ सर यार, सब दिखा दिया।